अरे भाई लैपटॉप टेबल चाहिए, कौन सी चाहिए, कौन से फीचर के चाहिए, कौन सी क्वालिटी के चाहिए, अरे भाई आपको ब्रांड कौन सा चाहिए, साइज कौन सा चाहिए। तो आपसे ये सारे क्वेश्चन करते हैं जब आप मार्केट में जाते हैं कोई भी लैपटॉप टेबल खरीदने के लिए, लेकिन क्या आपको इन सबके आंसर पता है? अगर नहीं तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू chooseco.com। आज हम बात करने वाले लैपटॉप टेबल के बारे में बहुत पूरा डिटेल से, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि लैपटॉप टेबल खरीदने से पहले आपको उसके अंदर कौन कौन से फीचर देखने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप चलाते हो जिसमें गेमिंग माउस यूज करते हो, गेमिंग सारी चीजें यूज करते हो, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक ऐसा लैपटॉप टेबल लें जिसके अंदर आपको एक फैन भी मिले और माउस को रखने की जगह भी मिले, जिससे कि आप अपना जो गेमिंग है वो अच्छी तरीके से कर पाए, गेम को बहुत अच्छी तरीके से खेल पाए। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल टेबल खरीदना चाहते हैं, स्मॉल टेबल खरीदना चाहते हैं, तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसी टेबल लें जो कि पोर्टेबल हो और आराम से वो फोल्ड भी हो सके, काफी लाइट वेट हो, क्योंकि जितना लाइट वेट होगा जितना आप उसको पोर्टेबल होगी वो उतनी सस्ती आपको पड़ेगी एंड उतनी अच्छी तरीके से वो चलेगी। तो ये तो हो गए उसके फीचर की बात। चलिए बात करते हैं कि आपको कौन से साइज की लैपटॉप टेबल लेनी चाहिए। तो काफी सारे टाइप की लैपटॉप टेबल्स आती हैं मार्केट में जो कि काफी बड़ी और काफी छोटी भी होती हैं। अगर आप छोटी टेबल लोगे तो हो सकता है कि आपका जो लैपटॉप है वो उसके ऊपर स्लिप हो जाए और आपका लैपटॉप टूट भी सकता है, और ज्यादा बड़ी होगी तो आपको उसको रखने में भी दिक्कत होगी। तो सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगता है वो लगता है कि आप सबसे पहले अपना लैपटॉप है जो भी आप उसके ऊपर रखना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप लैपटॉप और माउस यूज करना चाहते हैं तो आप उसके मेजरमेंट निकाल लें कि आपको कितना बड़ा टेबल चाहिए, उसके हिसाब से आप जाके मार्केट में सर्च कर सकते हैं और वो टेबल अपने लिए ले सकते हैं। मुझे तरीका सबसे बेस्ट लगता है एंड सबसे बेस्ट तरीका यही है किसी भी साइज को मेजर करने का। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ड्यूरेबिलिटी और पोर्टेबिलिटी। ये जो लैपटॉप टेबल है वो काफी पोर्टेबल और ड्यूरेबल होनी चाहिए। अगर आप उस टेबल को कहीं भी कैरी नहीं कर सकते हैं तो वो पोर्टेबल नहीं है, क्योंकि आप उसको फोल्ड नहीं कर सकते हैं, कहीं भी कैरी नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप की टेबल होती है काफी ज्यादा हेडक देते हैं कि यार आप उनको कहीं भी लेके नहीं जा सकते, कहीं से भी लेके नहीं आ सकते। लेकिन एक जो पोर्टेबल टेबल होती है वो काफी इजीली फोल्ड हो जाती है और आप इजीली उसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं। बेसिकली जो लैपटॉप टेबल होती है उसको लोग बेड पर बैठ कर यूज करते हैं, उसको अपने ऊपर रख लेते हैं, इसलिए उसके ऊपर लैपटॉप यूज करते रहते हैं, जो कि काफी इजी वे होता है। एंड इससे जो लैपटॉप टेबल होती है उसकी लाइफ टाइम भी काफी बढ़ जाता है, क्योंकि वो कहीं पर टूटती नहीं है, वो कहीं पर भी बेकार नहीं होती है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका, अगर आप एक टेबल लेना चाहते हैं तो ऐसी टेबल लें जो कि पोर्टेबल हो और आप इजीली उसको यूज कर सके अपने बेड पे बैठे बैठे। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि असेंबलिंग। जी हां दोस्तों, एक जो पोर्टेबल टेबल है वो एक ऐसी होनी चाहिए जिसको आप इजीली असेंबल कर सकें। बहुत सारे टेबल आते हैं, काफी बड़ी बड़ी टेबल आती हैं जिनको असेंबल करने के लिए मैन्युअल्स की जरूरत पड़ती है, काफी सारे वीडियोस की जरूरत पड़ती है, लोग बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखते हैं उसको असेंबल करने के लिए। तो इस टाइप की जो टेबल होते हैं काफी ज्यादा सिरदर्द देती है कि यार उनको असेंबल कैसे करें, उनको यूज कैसे करें। अगर आप एक टेबल लेना चाहते हैं काफी इजी पोर्टेबल टेबल अपने लैपटॉप के लिए, तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक ऐसे टेबल है जिसको आप इजीली असेंबल कर पाए, यानी कि आप जानते हैं फोल्डेबल जो टेबल होती है उनको सिंपली आप फोल्डिंग से हटाइए और आप उसको यूज कर लिए, दैट्स इट, उनको कुछ भी असेंबल करने की जरूरी नहीं है। बट अगर आप एक ऐसे टेबल है जो उनके अंदर व्हील्स भी हो तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है असेंबल करने में। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप की टेबल लेना चाहते हैं अपने लैपटॉप के लिए। चलिए हम बात करते हैं मटेरियल के बारे में, आपको कौन कौन सा मटेरियल लेना चाहिए किसी भी टेबल को खरीदते समय। यहाँ पर तीन टाइप के मटेरियल अवेलेबल होते हैं मार्केट में, जो कि होता है पहला वुड, सेकंड मेटल, थर्ड होता है प्लास्टिक। प्लास्टिक के मटेरियल को मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा वो हल्का होता है एंड वो बहुत जल्दी टूटने का भी डर रहता है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो वो उसमें हाथ और मार दे तो वो टेबल टूट भी सकती है, बेकार भी हो सकती है। इसमें आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप वुड की तरफ जाएं या फिर मेटल की तरफ जाएं। अगर आपका बजट थोड़ा ठीक है तो आप वुड की तरफ जाइए, काफी टिकाऊ रहती है, काफी लाइफ टाइम उसकी रहती है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है उसका एडजस्टमेंट। अगर आप एक ऐसे टेबल ले रहे हैं जिसके अंदर व्हील्स भी है, जिसके अंदर सब चीज है, तो आप ऐसे टेबल लीजिए जो कि आप एडजस्ट कर सकें। जैसे कि अगर आप थोड़ा सा हाइट में बड़े हैं तो आप उसको इजीली एडजस्ट कर पाए, जिससे कि उसका जो मतलब साइज वो बड़ा हो सके ना, आप उसको इजीली यूज कर सकें। लेकिन आपके पास साइज थोड़ा छोटा है तो आप उसको उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकें एंड उसकी तरफ से छोटी हो जाएगी एंड आप उसको इजीली यूज कर सकें। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी लैपटॉप टेबल को खरीदने के लिए कि आप उसके अंदर ऐसे एडजस्टमेंट का यूज करें जो कि आपके टाइप की वो टेबल को बना दे। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में, जो कि क्वालिटी। जी हां दोस्तों, कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो, चाहे वो लैपटॉप टेबल हो, चाहे वो कोई सा भी टेबल हो, उसके अंदर आप क्वालिटी जरूर देखते हो कि भाई उसके अंदर क्वालिटी है या नहीं है। तो लैपटॉप टेबल के अंदर आपको क्वालिटी कैसे
कैसे देखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको देखना है कि जो उसके जो लैग होते हैं वो स्लिपी तो नहीं, यानी कि नॉन स्लिपी लैग होने चाहिए उसके अंदर, कि अगर आपने बेड के ऊपर उस टेबल को रखा तो अगर आपने जब उसके ऊपर लैपटॉप यूज करोगे तो कहीं वो लैग स्लिप तो नहीं हो जाएंगे, या फिर फोल्ड करके दोबारा से वैसे तो नहीं हो जाएंगे जिससे कि आपको चोट भी लग सकती है। सो आप जरूर ध्यान रखें कि उसके लैग पे एक बैंड लगी होती है जो कि जरूर होनी चाहिए, जिससे कि वो जो टेबल है वो कभी स्लिप नहीं होती है, ना आप इजीली उस पे काम कर सकते हैं। एंड जो सेकंड जो पॉइंट है वो आता है कि उसका वजन जी दोस्तों, कि अगर आप कोई लैपटॉप टेबल खरीदते हैं तो वो एक लैपटॉप टेबल जो है 10 किलो वजन तक झेल सकती है, जो कि काफी सही वे होता है जी दोस्तों। तो एक लैपटॉप जो होता है वो काफी ज्यादा हैवी नहीं होता है, अगर आप उसको हाथ भी रखो तो ज्यादा वजन नहीं आएगा उस लैपटॉप टेबल के ऊपर, एंड 10 किलो वजन एक टेबल आराम से झेल सकती है अगर वो टेबल अच्छी है तो, वरना इससे कम का जो वजन की टेबल आती है आप उनको ना ही खरीदें वही अच्छा है, क्योंकि अगर वो टूट गई तो आपको मतलब पैसे बेकार हो जाएंगे, आप कहोगे यार मेरे पैसे बर्बाद हो गए। तो आपको बता रहा हूँ कि 10 kg से ज्यादा वजन झेलने वाली लैपटॉप टेबल ही आप यूज करें। चलिए बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि उसका प्राइस और आपका बजट, कि आपका बजट कितना होना चाहिए एंड कोई भी प्राइस कितना होना चाहिए। तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बजट अपना सेट करें, जो कि आप एक मतलब नॉर्मल सा बजट होना चाहिए जिसके अंदर आप कोई सा भी लैपटॉप टेबल ले सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो आपका बजट ज्यादा होना चाहिए, नॉर्मल सी बात है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट कम है तो आपका बजट कम हो तब भी आपका काम हो जाएगा। सो जो प्राइस होता है वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना ज्यादा है कितना कम है। सो आप एक अपने बजट के हिसाब से बनाइए कि आपको किस हिसाब से बजट बनाना है एंड आपको कौन सा टेबल खरीदना है। आपकी जो रिक्वायरमेंट है उनको आप काउंट कीजिए, उनके हिसाब से आप लैपटॉप टेबल को सर्च करिए। चलिए हम बात करते हैं हमारे पॉइंट के बारे में, जो कि है व्हाट आर द बेस्ट लैपटॉप टेबल्स इन इंडिया। उसके लिए हमने सबसे बढ़िया एक आर्टिकल लिखा हुआ है हमारी वेबसाइट पे, जो कि choosecore.com, वहां पे आपको ये वाला आर्टिकल मिल जाएगा जो कि काफी डिटेल आर्टिकल है, जिसमें हमने आपके लिए 10 बेस्ट लैपटॉप के रिव्यूज किए हुए हैं लैपटॉप टेबल्स की, एक्चुअली जो कि पोर्टेबल होती हैं एंड आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें हमें टॉप ब्रांड के यूज किए हुए हैं, काफी बजट फ्रेंडली भी हैं एंड आप इसको को खरीद सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, इस आर्टिकल को पढ़िए एंड यहाँ से आप खरीद सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो एंड आई होप आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। आपको पूरा वीडियो पसंद आप लाइक करिए, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उनको पर्सनली आंसर देने की कोशिश करूंगा एंड जितना जल्दी मुझसे हो सकेगा मैं उतना जल्दी आपको रिस्पॉन्स करूंगा, डैम श्योर। एंड अगर आपको वीडियो ज्यादा अच्छी लगे तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर फर्दर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय।